नए खबरों से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें ट्राइबल इंडिया टीवी ऐप। रांची रेलवे स्टेशन क्यों एक दिन महिला रेल कर्मियों के नाम रहा? स्टेशन से लेकर ट्रेन तक सिर्फ महिला रेल कर्मियों ने ही संभाला। लोहरदगा पैसेंजर ट्रेन को महिला लोको पायलट, महिला टीटीई, महिला रेलवे सुरक्षा बल आदि ने संचालित किया। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल एक दिन महिलाओं के नाम समर्पित रहा। राजधानी रांची रेलवे स्टेशन का नजारा बदला बदला सा नजर आ रहा था। आठ मार्च को दक्षिण पूर्व रेलवे रांची रेल मंडल के डीआरएम नीरज अम्बस्ट व अन्य अधिकारियों ने एक अनोखा निर्णय लिया। राजधानी रांची का प्रथम श्रेणी का मॉडल स्टेशन 8 मार्च को चर्चा में रहा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन रांची स्टेशन व ट्रेन की व्यवस्था महिला रेल कर्मियों ने संभाल रखी थी। महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं का हौसला बढ़ाने के लिए रांची रेल प्रशासन ने ये कदम उठाए। आइए आप भी देखें ट्राइबल इंडिया टीवी के संवाददाता मनोज शरण की इस विशेष रिपोर्ट को कि कैसे रांची स्टेशन एक दिन महिलाओं के नाम रहा, किस तरह झारखंड की राजधानी रांची स्टेशन का संचालन महिला रेल कर्मियों ने किया। रांची स्टेशन के मुख्य द्वार से ही महिला रेल कर्मियों की उपस्थिति देखने को मिली। महिला रेलवे सुरक्षा बल, महिला टीटीई, महिला सफाई कर्मी और सबसे बड़ी बात कि रांची स्टेशन प्रबंधक के रूप में आदिवासी बेटी चांद कुमारी कच्छप ने पूरी व्यवस्था संभाल रखी थी। सभी क्षेत्र में इस तरह का प्रोत्साहन मिल रहा है और आगे भी इस तरह मिले, इसके लिए मैं चाहूंगी कि सभी महिला और आगे आए। हम लोग आज इतना तक हैं तो और आगे आए, हमें देख के हमारे जो जूनियर हैं वो भी आ गए हैं कि हाँ इस तरह हम संभाल सकते हैं। सभी क्षेत्र में स्टेशन मास्टर का जो बहुत टफ है, पहले तो सिर्फ पुरुष किया करते थे, लेकिन आज हम महिला उनके साथ खड़े हैं और ये संभाल रहे हैं। बहुत ही टफ नौकरी है, लेकिन हम आज कर पा रहे हैं क्योंकि हमें इस तरह प्रोत्साहन दे के आगे सभी समाज के लोग, घर के लोग सभी हमें आगे किए हैं, इसीलिए आज हम संभालने में कामयाब हैं। हाँ, एकदम गर्व महसूस होता है कि हम आदिवासी महिला हो के, जबकि हमारे आदिवासी महिला में इतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी आज हम आगे आए हैं और हम गर्व है कि हम आदिवासी महिला हैं और रांची स्टेशन में हम हैं स्टेशन मैनेजर के रूप में। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और आदिवासी समाज के लिए एक हम पहचान है कि आदिवासी लड़की महिला हो के हम यहाँ पे डिपूट हैं, तो ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। वहीं रांची लोहरदगा पैसेंजर ट्रेन की पायलट सहित ट्रेन में टीटीई रेलवे सुरक्षा बल के रूप में महिलाओं ने व्यवस्था संभाल रखी थी। इसमें सारी महिलाएं जितनी स्टाफ थी वो लेडीज थी, जैसे हम लोग, मैं ड्राइवर में थी, मेरे को पायलट के रूप में भी लेडीज थी, गार्ड में लेडीज थी, टीटी लेडीज थी और आरपीए भी लेडीज थी। जैसे हम और ये सारा प्रोत्साहन जो हमें मिला है वो हमारे डीआरएम सर की तरफ से मिला है। और ड्यूटी तो देखिए हम लोग रोज ही कर रहे हैं, जो भी है अपने अपने स्थान पे अपना ड्यूटी रोज ही निभा रहे हैं, लेकिन एक साथ मिल करके जो आज महिलाएं ये काम की और हम लोग को जो ये काम करने का अवसर दिया गया, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। और महिला दिवस के मौके पर मैं सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज महिलाएं देखिए सारे क्षेत्र में हैं, बहुत आगे हैं। आप देखिए रांची यूनिवर्सिटी का जब दीक्षांत समारोह हुआ, उसमें महिलाएं कितने सबसे अव्वल में रही महिलाएं, ये तो आप देखे ही। और हम लोगों का जो काम है ट्रेन चलाना, ये भी दिन रात का ड्यूटी रहता है और इसको भी हम लोग निभा रहे हैं। तो जब हम लोग सारे काम कर सकते हैं, महिलाएँ कर सकती हैं, तो बाकी महिलाएँ भी अपने आप को कमज़ोर ना समझें और वो भी ये सारा काम कर सकती। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि आज सचमुच पुलिस में अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिला दिवस मनाया जा रहा है और हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है क्योंकि हम महिला होकर के अभी इस फील्ड में हैं, अभी ट्रेन परिचालन कर रहे हैं, तो हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है इस चीज़ को लेकर। सभी महिलाएं सशक्त हैं अपने क्षेत्र में,
और महिलाओं को अपने में कमज़ोर महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी सचमुच में सभी क्षेत्र में महिलाएं अपना झंडा गाड़ चुकी हैं, और महिलाओं को जो अपने आप को कमज़ोर महसूस करती हैं उन्हें होना चाहिए कि वो अपने आप को मजबूत करें, ताकि वो आने वाले दिनों में और बहुत तायत से सभी क्षेत्र में जा सकें। रांची रेल मंडल में एक उत्सव सा माहौल था और महिला रेलकर्मियों में एक उत्साह और उमंग देखने को मिल रही थी। प्रशिक्षु IRTS महिला अधिकारी रीशु प्रिया, जो कि रांची की ही हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर बातें की, रेलवे और रेलवे की व्यवस्था को लेकर भी बातें की। और दूसरी बात मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज का दिन सिर्फ ये साबित करने के लिए नहीं है कि महिलाएँ क्या कर सकती हैं, आज का दिन सिर्फ उनको स्पेशली अप्रिशिएट करने के लिए, उन्होंने देश भर और दुनिया भर के हर फील्ड में जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, आज कोई भी फील्ड महिलाओं से अछूता ना रह गया है, तो उनके लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ। आप ये देखें तो मैंने बहुत कुछ फील किया नहीं है, पर मैंने जितने भी और जहाँ भी रोल प्ले किया है, चाहे वो मेरा पुराना कॉर्पोरेट जॉब था या आज तक जो ट्रेनिंग मैंने देखा है, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ कि मुझे किसी भी महिला या किसी का भी परेशानी को जानकर उसे उसका समाधान देने के लिए अवसर मिलेगा जॉब में, तो मैं इस बात से बिल्कुल। वहीं जमशेदपुर की बेटी भाव्या ईशान मुर्मू रांची रेल मंडल में एक जिम्मेवार पद पर कार्यरत हैं और अपने काम के प्रति काफी सजग हैं। गर्व करती हैं कि वो भारतीय रेलवे में एक अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं और अपनी जिम्मेवारी को निभा रही हैं। आज के दिन जो रेलवे ने किया है उससे यही पता चलता है कि महिलाएं जहां पे भी हों उनको सेलिब्रेट किया जाए, उनकी सराहना किया जाए, उनको मान दिया जाए। महिलाओं को मैं यही कहना चाहूंगी कि आप ईमानदारी से काम करें, एक महिला होते हुए दूसरी महिला को सपोर्ट करें, और यही महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा परचम होगा जब एक महिला दूसरी महिला को सपोर्ट करेगी, और इसी तरह महिलाएँ बहुत आगे बढ़ेंगी। जॉब में हमारी चुनौती ये है कि जनरली मैं फील्ड जॉब से हूँ, बाहर जाके पॉइंट्स पे ट्रैक पे खड़े होकर काम करवाना पड़ता है, इंस्पेक्शन करवाना पड़ता है, पूरे सेक्शन में जाके रात में कैरियर अटेंड करने पड़ते हैं। तो इस तरह की चुनौतियों के कारण रेलवे को बोला जाता है कि महिलाओं के लिए उतना सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे कि मैं इस जॉब पे हूँ और मेरे ऊपर के सारे ऑफिसर्स ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, उनके सपोर्ट के कारण ही मुझे जब भी जो भी चीज़ों की जरूरत पड़ी है मुझे मिली है, और मैं वहाँ पे जाके आराम से निश्चिंत होके पूरा काम कर सकती हूँ, और फिर मैं अपना काम कर्तव्य पूरी तरह से निभा सकती हूँ। रांची रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था की कमान महिला रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने संभाल रखी थी। पूरी स्टेशन का माहौल बदला बदला सा नजर आ रहा था और एक सुखद एहसास हो रहा था कि आज महिलाएं बढ़ चढ़ कर अपनी भूमिका को निभा रही हैं, अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपने काम काज से लोहा मनवाया है, अपने निर्णय क्षमता से सभी को चौंकाया है। हमें गर्व है महिलाओं पर, जो घर आंगन से लेकर अपने देश और राज्य के प्रति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। रांची रेल मंडल के CPRO नीरज कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन महिलाओं के नाम, महिलाओं के सम्मान को लेकर उनके कार्य करने की क्षमता और उनके जज्बे को सलाम किया और कहा कि महिलाएं आज हर चुनौतियों का सामना करते हुए हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि खुशी होती है कि रांची रेल मंडल में सभी महिला रेलकर्मी काफी संजीदगी से अपने काम को अंजाम दे रही हैं। उन्होंने देश के तमाम महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। डेफिनेटली ये मंडल का स्टेशन है रांची, जो है चूँकि झारखंड की स्टेट कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है रांची स्टेशन, तो ये हम लोग के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसे मौके जब आते हैं तो हम लोग का एक जो हमारे प्रति एक जो श्रद्धा भाव हमारी महिलाओं कर्मचारियों के प्रति रहता है, और जो एक हमारा इमोशंस जुड़े हुए हैं उनसे, उसको भी हम लोग रेल परिवार के जो लोग होते हैं, बाकी सदस्य होते हैं, उसको हम लोग शो करते हैं।
और ये एक महिला सशक्तिकरण के तरफ भी एक हमारा एक अहम कदम है कि आज महिलाएं जो पहले हम लोग देखते थे कि स्कूटर और कार चलाते भी नहीं संभव होता था, आज पूरी की पूरी ट्रेन लेके जा रही हैं। और बहुत खुशी की बात है कि झारखंड की पहली लोको पायलट दीपाली अमृत जी आज खुद जो है ट्रेन चलाकर परिचालन करते हुए ट्रेन का यहाँ से लेकर टोरी तक जाएंगी। तो न सिर्फ रांची रेल मंडल के लिए, झारखंड के लिए, बल्कि समूचे देश के लिए बहुत गर्व। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.travelindiatv.com।